नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। आज जनपद सिद्धार्थ नगर में एसओजी टीम व पथरा पुलिस और सर्विलांस की संयुक्त टीमों को मिली बड़ी सफलता। जाली नोट के साथ 4 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। इनमें से एक अभियुक्त शुभ पांडे को पुलिस व एसओजी की टीम ने पथरा थाना क्षेत्र के रंबापुर से गिरफ्तार किया। अभियुक्त की निशानदेही पर अन्य 3 अभियुक्तों को जिला चिकित्सालय बस्ती के समीप गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 1,51,400 रुपए के जाली नोट छापने के संबंधित उपकरण और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इन अभियुक्तों ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि हम लोग जाली नोट की छपाई करते हैं और इन नोटों को मार्केट में चलाकर अपना शौक पूरा करते हैं। ये लोग अक्सर शाम के समय इन नोटों को भीड़भाड़ वाली दुकान पर चलाते थे। इस घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा दी। थाना पथरा बाजार एसओजी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से 1,51,400 रुपये नकली नोट बरामद किए गए हैं। साथ ही 2 कलर प्रिंटर, टेप, चाकू और 2 बाइक भी इनके पास से बरामद की गई है। इन्होंने पूछताछ में बताया है कि अपने कलर प्रिंटर से जो नकली नोट थे उनका प्रिंट निकालते थे और खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं और शाम के वक्त इन नकली नोटों का प्रयोग करते थे, जब दुकानदार बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे कि नकली नोटों के संबंध में। इस प्रकार से लगभग ये 5-6 महीने से ये लोग एक्टिव थे। इसमें बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए हमारी टीम ने इनकी गिरफ्तारी की गई है, जिसकी प्रशंसा की जाती है। इसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए, शुभम पांडे, विकास पांडे, ये दोनों मेन अभियुक्त हैं। इनके साथ भालचंद और सोनू है, ये दोनों जो नोट बनते थे इनको बाजारों में चलाते थे। ये 4 लोगों का गिरोह था जो पकड़ा गया। इनमें अभी तक पूछताछ में अन्य कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया, इसमें विवेचना प्रचलित है। अन्य कोई भी तथ्य आएंगे तो उसमें अवगत कराया जाएगा। जनपद सिद्धार्थ नगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थ नगर। राजस्थान के बारा छबड़ा जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय छबड़ा के मार्गदर्शन में एवं उपखंड अधिकारी और तहसीलदार मनमोहन शर्मा आरएसएस के नेतृत्व में शुक्रवार को छबड़ा मुख्यालय पर यूसीईओ ओम प्रकाश गालव प्रधानाचार्य ने स्कूली छात्र छात्राओं के साथ निकाली खेला रो हेलो रैली। ब्लॉक स्तर पर तहसीलदार साहब छबड़ा ने दिखाई रैली को हरी झंडी तो दूसरी ओर पंचायत मुख्यालय पर PEEO द्वारा हरी झंडी दिखाकर खेला रो हेलो जन जागरूकता रैली निकाली गई। ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति चिंकी गालब और शंकरलाल नागर ने बताया कि 26 अगस्त शुक्रवार को माननीय जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार प्रत्येक PEO स्तर पर और छबड़ा मुख्यालय के कस्बे में UCEO स्तर पर श्रीमान उप जिला कलेक्टर छबड़ा के निर्देशन में रैली खेलो रो हेलो का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार रैली में ब्लॉक मुख्यालय पर UCEO स्तरीय एवं ग्रामों में PEO स्तरीय रैली में राजकीय निजी विद्यालयों के छात्र छात्राओं, अध्यापकों, ग्राम कस्बे के जनप्रतिनिधियों, आंगनवाड़ी कार्मिकों, वरिष्ठ खिलाड़ियों ने रैली में भाग लिया। साथ ही ब्लॉक पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति छबड़ा एवं ब्लॉक स्तरीय राजकीय कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छबड़ा के छात्र छात्राओं के साथ रैली में भाग लिया। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी। अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बाधा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद।
निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए के राजपूत। खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से है, जहां तुलसीपुर बलरामपुर नगर के स्थानीय लाल चौराहे के समीप एक खड़े ट्रक में ड्राइवर की लाश मिलने से लोगों में दहशत है। मालिक चंद पुरानी निवासी बाजार ने बताया कि ट्रक ड्राइवर रामराज उर्फ बल्बे 50 वर्ष पुत्र का राम सुमिरन निवासी ग्राम परसपुर करौंदा थाना हरैया कल चीनी मिल तुलसीपुर से चीनी लादकर रेलवे स्टेशन के पास माल गोदाम पर गिराया है। कृष्ण जन्माष्टमी का जुलूस निकलने के कारण भीड़ भाड़ की वजह से ट्रक वापस ना ले जा पाने के कारण वहीं पास में सड़क के किनारे खड़ा करके नजदीक में ही माल गोदाम के पास खाया पिया है। तुलसीपुर प्रभारी निरीक्षक अवधेश राज सिंह ने बताया कि सुबह गाड़ी हटवाने के लिए लोगों ने ड्राइवर को जगाना चाहा, किंतु जब काफी बुलाने के बाद वो नहीं उठा तो दो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंचकर ड्राइवर मृत पाया गया, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जय विहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय विहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781100। बलरामपुर के तुलसीपुर नगर में चल रहे एक सप्ताह के कृष्ण महोत्सव के अवसर पर पूजा प्रतिष्ठा के बाद मूर्तियों का विसर्जन देवी पाठन के सीरिया नाना में किया जाता है। रात्रि 8 बजे के बाद सभी समितियों ने कृष्ण महोत्सव की शोभा यात्रा निकाली, जो मिल चुंगी नाका से चलकर पुरानी बाजार, हनुमानगढ़ी मंदिर, नई बाजार चौक, बलरामपुर चौराहा होते हुए हरैया चौराहा, देवी पाठन, सीरिया नाला पहुँचकर सभी मूर्तियों का विसर्जन कर करीब 1 बजे तक चला। 12 बजे रात तक नगर में बिजली गुल थी, लोग गर्मी से परेशान रहे। करीब 11 बजे झमाझम बारिश होने पर थोड़ी राहत की सांस मिली। नगर के संभ्रांत लोगों ने इस शोभा यात्रा को समय से निकालने की मांग की है। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। राजस्थान के एट्रू उपखंड मुख्यालय पर नवीन राजकीय महाविद्यालय में गहमा गहमी के बीच छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए शांतिपूर्ण मतदान संपादित कराए गए। निर्वाचक अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि महाविद्यालय में 88% मतदान किया गया। छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए AVVP से नितेश मीणा, NSUI से मनीष गुर्जर, निर्दलीय से कृष्णा कुमारी चुनावी समर में उतरे। चुनाव के दौरान पुलिस अधीक्षक सोजीलाल मीणा, थाना अधिकारी रामविलास गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। चाक चौबंद व्यवस्था के बीच हुए चुनाव के दौरान खेलड़ीगंज चौराहे पर दोनों प्रत्याशियों के समर्थन में समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की। वहीं गांधी पार्क से लेकर कॉलेज तक हलचल बनी रही। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, DJ साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियां, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है।
राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र बजरंग नगर हनुमान मंदिर के पीछे जलेसर रोड फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। जनपद सिद्धार्थ नगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थ नगर। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए के राजपूत। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र बजरंग नगर हनुमान मंदिर के पीछे जलेसर रोड फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी। अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।